क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर में जो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन सेल होते हैं ना, ये 10 से 15 हजार के प्राइस सेगमेंट में ही सेल होते हैं। और इसीलिए यार इस प्राइस सेगमेंट में हर कोई कंपनी चाहती है कि इनका कोई ना कोई एक स्मार्टफोन मौजूद हो। और इसीलिए इस प्राइस सेगमेंट में यार इतनी सारी खिचड़ी पक चुकी है, पता नहीं कितने सारे स्मार्टफोन हमको 10 से 15 हजार के बीच में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपका भाई आपको बताएगा इस खिचड़ी में से निकाल के टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन जिनको आप लोग इस टाइम पे बाय कर सकते हो। राम राम, मैं नाम आशीष एंड वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। तो इस वाले लिस्ट में जो हमारा नंबर 5 का स्मार्टफोन है ना, ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसने लॉन्च होते साथ यार काफी सारी सुर्खियां बटोर ली थी। रीजन इसका यहां पर ये था यार कि एक लौता ऐसा स्मार्टफोन था इस पर सेगमेंट में जहां पे हमको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती थी। स्टिल यार आज के टाइम पे भी ये एक लौता स्मार्टफोन है जहां पे हमको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। आई होप कि आप लोग यहां पर समझ चुके होंगे मैं यहां पे बात कर रहा हूं वीवो के Z1 प्रो की। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करता हूं तो आज के टाइम पे ये स्मार्टफोन 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है वो 12,990 का मिल जाता है। और इस प्राइस सेगमेंट में हमको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि एक IPS डिस्प्ले है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं इस फोन के कैमरे की तो यहां पे हमको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं जो कि यहां पे 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल और प्लस 2 मेगापिक्सल। सेल्फी की बात करते हैं यार तो यहां पे वीवो की हमको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। उसके बाद अगर यहां पे बात करते हैं यार इस फोन के बैटरी की तो 5000 mAh की यहाँ पे बैटरी देखने को मिलती है, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, साथ ही USB टाइप सी का पोर्ट भी मिलता है। और प्रोसेसर की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 की चिपसेट देखने को मिलती है जो कि स्टिल प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी यहाँ पे है। अब नंबर 4 में जहाँ पे स्मार्टफोन है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को यहाँ पे यार कुछ भी कस्टमाइज UI पसंद नहीं आती है, जिन लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए और क्लीन और सिंपल इंटरफेस चाहिए। आई होप कि आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ Xiaomi की तरफ से आने वाले MI A3 की। अब ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पे हमको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है। और अगर मैं यहाँ पे स्मार्टफोन की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो हमको एक सुपर एमुलेट के देखने को मिलती है। अब हालांकि एक HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलती है बट स्टिल यार डिस्प्ले हमको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ तो ये जो स्मार्टफोन है आज के टाइम पे आपको 4GB 64GB वाला जो वेरियंट है वो 12,000 में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं कैमरे की बात करता हूँ यार तो यहाँ पे हमको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं। बैक साइड में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं सेल्फी की बात करता हूं तो यहां पे हमको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। और इस फोन में हमको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है जो कि यहां पे काफी अच्छी बात है। और अगर मैं यहां पे बैटरी की बात करता हूं तो यार 4030 mAh की बैटरी मिलती है, 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ में स्मार्टफोन आता है, USB टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही अगर मैं प्रोसेसर की बात करता हूं तो यहां पे हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट देखने को मिलता है। अब यहां पर जो नंबर 3 का स्मार्टफोन है ना, ये काफी तगड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर की तरफ से आता है जो कि है यहां पे सैमसंग। और जो स्मार्टफोन है यार वो है यहां पे सैमसंग गैलेक्सी M30s। आज के टाइम पे इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वो आपके यहां पे 13,000 में देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहां पे स्मार्टफोन की बात करता हूं तो सबसे बड़े इस फोन में आपको एक सुपर एमुलेट की डिस्प्ले देखने को मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। डिस्प्ले इस फोन की यार काफी अच्छी यहां पे आपको देखने को मिलती है और फुल HD+ की मिलती है। साथ ही अगर मैं बात करते हैं यार इस फोन के कैमरे की तो ट्रिपल रियर कैमरा आपको बैक साइड में देखने को मिलते हैं जो कि यहां पे 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल। सेल्फी की बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है और साथ ही यहां पे आपको एक काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि है 6000 mAh की। USB टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिलता है और 15 वाट के फास्ट चार्जिंग ये फोन यहां पे सपोर्ट करता है। और अगर प्रोसेसर की बात करता हूं यार तो एक्सिनोस का 9611 चिपसेट देखने को मिलता है। अब अगर आप लोग यहां पे सैमसंग लवर हो यार और 13000 में सैमसंग का स्मार्टफोन अगर आप लोग बाय करने वाले हो तो ये आप लोगों के लिए काफी बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आप लोग यहां पे कुछ दिन और रुक सकते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग यहां पे रुक जाइए। और अगर आप लोग यहां पे लगभग 2000 रुपए और एक्स्ट्रा पे कर सकते हो सैमसंग के स्मार्टफोन के लिए तो भी आप लोग यहां पे रुकना चाहिए, क्योंकि यार 25 फरवरी को सैमसंग गैलेक्सी M31 यहां पे लॉन्च होने वाला है जहां पर जो इंप्रूवमेंट की गई है वो यहां पे कैमरे में की गई है। और गैलेक्सी M31 कैसा होने वाला है उसकी वीडियो आप लोग को ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, तो आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हो। और जो अब यहां पे नंबर 2 का स्मार्टफोन है ना, ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसने 15000 के अंडर में यहां पे क्वाड कैमरा का चलन शुरू करा था। एनी गेस, आई नो आप में से कुछ लोग समझ चुके होंगे मैं यहां पे बात कर रहा हूं Realme 5 Pro की। ये जो स्मार्टफोन है ना आज के टाइम पे इसका जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वो आपको केवल और केवल मिल जाता है 11,999 यानी कि 12,000 का।
और यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो एक वाटर ड्रॉप नॉच वाली एक आईपीएस पैनल देखने को मिलता है जो कि फुल एचडी प्लस का है। साथ ही अगर बात करते हैं यार इस फोन के कैमरे की, तो जैसे मैंने आपको बताया क्वाड कैमरा देखने को मिलते हैं और जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का सोनी का 486 वाला सेंसर है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और माइक्रो सेंसर देखने को मिलते हैं और सेल्फी यहाँ पे देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल की। बैटरी की बात करते हैं यार तो 4035 एमएएच की बैटरी मिलती है वो 3.0 के साथ में यह स्मार्टफोन आता है। यूएसबी टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिलता है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 के चिपसेट इस फोन में हमको देखने को मिल जाती है। और अब यहाँ पर नंबर 1 का स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है ना 15,000 के प्राइस सेगमेंट में आज के टाइम पे। आई होप कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस फोन को यहाँ पे गेस कर लिया होगा। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ Xiaomi की तरफ से आने वाले Redmi Note 10 Pro की। अब अगर मैं स्मार्टफोन की बात करता हूँ तो इसका जो बेस वेरियंट है 6GB 64GB वो आप लोग यहाँ पे 15,000 का मिल जाता है। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन की तो यहाँ पे आपको एक IPS पैनल मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में, लेकिन HDR प्लस की डिस्प्ले आपके यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही अगर मैं यहाँ पे बात करते हैं यार इस फोन के कैमरे की तो क्वाड कैमरा आपको बैक साइड में देखने को मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो कि सैमसंग के GW1 सेंसर के साथ में आता है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और माइक्रो सेंसर। साथ ही अगर मैं सेल्फी की बात करता हूँ तो 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, 45 एमएएच की यहाँ पे बैटरी मिलती है, साथ ही यहाँ पे यूएसबी टाइप सी का पोर्ट भी मिलता है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग ये फोन यहाँ पे सपोर्ट करता है। और अगर मैं यहाँ पे यार गेमिंग की बात करता हूँ, परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट यहाँ पे इस प्राइस सेगमेंट में हमको आज के टाइम पे देखने को मिलता है जो कि है MediaTek का हेलियो G90T। काफी अच्छी गेमिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, साथ ही यहाँ पे आप लोग को लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिल जाती है। तो ये थे मेरे भाइयों यार अंडर 15K वाले 5 ऐसे स्मार्टफोन जिनको आप लोग इस टाइम पे यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर आप इन फोन में से किसी को बाय करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी यार लाइक करके शेयर करके मुझे बताना। साथ ही आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो तो किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लो ताकि आप लोगों को हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।